भोपाल में किन्नर समाज के लोग एक मामले को लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। नाराज किन्नर समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ कमिश्नर कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। दरअसल किन्नरों ने एक अन्य किन्नर काजल बम्बैया पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने घर में घुसकर एक किन्नर के बाल काटे और तेजाब डालकर मारपीट की, जिसकी वजह से सभी किन्नर दहशत में हैं। लेकिन इस मामले में मंगलवार थाना पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इसी के चलते किन्नर समाज में नाराजगी है। किन्नरों ने इसके खिलाफ कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा है। समस्या यही है कि आए दिन वो बम्बई काजल और ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, आए दिन लूटपाट कर रहे हैं, आए दिन पैसों की मांग करते हैं, फिरौती मांगते हैं। कब तक हम फिरौती देंगे? और झूठे केसों में फंसा देते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं, अपने आप को छुरी मार लेते हैं, अपने आप को बलात्कार का केस लगा देते हैं। जबरदस्ती मुझे भी जबरदस्ती हमें मेरा गुरु खत्म हुआ, मुझे जेल में भेज दिया है। कोई बात है, किन्नर का बलात्कार कर सकता है? किन्नर के पास लीगे नहीं होगा तो बलात्कार कहाँ से करेगा? उन्हें उस पर भी मुझे बलात्कार का केस लगा दिया और जेल रह जा है। हमारे दो दो हजड़ों की जाने ले ली, धमकी दी उनको, दो हजड़ों की फिरौती मांगी, 33 लाख रुपए दो हजड़े अटे खा के हमारे खत्म हो गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।